मॉर्गन से बात हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन मॉर्गन ने टाइगर को कोई मालूमात मुहैया ना की थी। रैमजे के ऑफिस में मॉर्गन ने टाइगर से वादा किया था कि वो एक दो रोज में मालूम कर लेगा कि हफ्त को में वाक़या एक्रेमियन सिटी फैक्ट्री के मुलाजमीन मकामी लेबर को क्यों फारिग कर दिया गया है। टाइगर कई बार रैमजे को फोन कर चुका था, लेकिन रैमजे ने हर बार यही जवाब दिया था कि अभी मॉर्गन ने कोई इतला नहीं दी। तो आज टाइगर ने मॉर्गन से बराह रास्त बात करने का सोचा था। वो इमरान को उसके फ्लैट पर जाकर सारी सूरतेहाल बता चुका था और इमरान ने उसे ताकीद की थी कि वो इस मामले में मजीद मालूमात हासिल करके उसे ज़रूर रिपोर्ट दे। टाइगर इस वक्त अपने होटल के कमरे में मौजूद था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और रैमजे के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आज वो कमरे से बाहर ही नहीं गया था क्योंकि आज उसे कोई ख़ास काम नहीं था और उसका मूड किताबें पढ़ने का हो रहा था, इसलिए सुबह से अब शाम होने वाली थी और वो कमरे में ही मौजूद रहा था। रैमजे बोल रहा हूँ। रब्ता होते ही रैमजे की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा मॉर्गन क्यों खामोश हो गया है, कुछ बताता ही नहीं। टाइगर ने कदरे घुसीले लहजे में कहा तो दूसरी तरफ रैमजे बेइख्तियार हंस पड़ा। उसे कुछ मालूम होगा तो बताएगा, वैसे कैसे बता दे, रैमजे ने कहा। उसका फोन नंबर क्या है मुझे बताओ, मैं उससे बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। टाइगर ने कदरे घुसीले लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से रैमजे ने उसे फोन नंबर बता दिया। टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर क्रेडल दबाकर उसने ट्यून आने वाले रैमजे के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मॉर्गन बोल रहा हूँ। रब्ता होते ही मॉर्गन की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, मॉर्गन तुमने तो वादा किया था कि एक दो रोज में मालूमात हासिल कर लोगे, लेकिन अब तो एक हफ्ता गुजर गया है और तुमने रैमजे को कोई इतला ही नहीं दी, टाइगर ने कहा। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं टाइगर साहब, लेकिन मसला ये आन पड़ा है कि मेरा दोस्त जिससे मैंने मालूमात हासिल करना थी वो आजकल यहां क्लब नहीं आ रहा, और वहां जाकर उससे मिलने का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं कि जब तक उसे खासी बड़ी मकदार में शराब न पिलाई जाए वो मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए मुझे उसकी आमद का इंतज़ार है। जैसे ही वो आया मैं उससे मालूमात हासिल करके अब तक पहुँचा दूँगा, मॉर्गन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओह, अगर वो कई माह तक ना आया तो फिर क्या हमें कई माह तक इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइगर ने कहा। मजबूरी है टाइगर साहब, लेकिन आप बेफिक्र रहें, वो जल्द ही चक्कर लगाएगा, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। तुम उसे फोन करके बुला लो, तुम्हारी दावत का सारा खर्चा मेरा होगा, टाइगर ने कहा। मैं उसे फोन किया था लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि एक्रेमिया से दो माहरीन आए हुए हैं और वो उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा है, इसलिए वो फुर्सत मिलने पर ही आएगा, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। वो माहरीन कहाँ ठहरे हुए हैं, क्या फैक्ट्री में या फैक्ट्री से बाहर हैं, टाइगर ने पूछा। ये तो मैंने उससे नहीं पूछा, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। तुम उससे पूछ लो, मैं फिर फोन करूंगा, टाइगर ने कहा। लेकिन जनाब, अगर वो मुझसे सवाल करे कि मैं क्यों पूछ रहा हूं तो फिर क्या जवाब दूंगा, मॉर्गन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम उसे कहना कि तुम उन महरीन की भी क्लब में दावत करना चाहते हो, इस तरह वो खुश होगा और तुम्हारे लिए उससे मुलाकात में भी आसानी रहेगी, टाइगर ने कहा। ओके जनाब, मैं पूछ लेता हूँ, मॉर्गन ने कहा। मैं एक घंटे बाद दोबारा तुम्हें फ़ोन करूँगा, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन एक घंटे बाद उसने दोबारा रिसीवर उठाया और मॉर्गन के नंबर प्रेस कर दिए। मॉर्गन बोल रहा हूं, रब्ता होते ही दूसरी तरफ से मॉर्गन की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूं, बात हुई तुम्हारी, टाइगर ने कहा। नहीं जनाब, वो फैक्ट्री में नहीं है, फैक्ट्री से बाहर मैरिन के साथ कहीं गया हुआ है। उसके साथी से जिसने फोन अटेंड किया है मैंने कह दिया है कि जब भी वो आए मुझे फोन करे। वैसे इतना मालूम हुआ है कि वो फैक्ट्री से बाहर उन मैरिन के साथ रह रहा है, मॉर्गन ने कहा। ओके,
बहरहाल कोशिश करो कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसे मालूमात हासिल हो जाएं, टाइगर ने कहा। मुझे खुद आपसे ज्यादा जल्दी है जनाब, मुझे माकूल रकम उस वक्त ही मिल सकती है जब मैं मालूमात हासिल कर लूंगा, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। तुमसे 1,00,000 रुपए का वादा रमजे ने किया है, तुम 1-2 रोज में मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें अलहदा 1,00,000 रुपए दूंगा, टाइगर ने कहा। अब तो मैं भूत की तरह उसके पीछे लग जाता हूं जनाब, आप बेफिक्र रहें, मॉर्गन ने कहा। तो टाइगर ने हंसते हुए रिसीवर रख दिया और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि लिबास तब्दील करके बाहर जा सके, क्योंकि अब उसका क्लबों में घूमने फिरने का मूड बन गया था। फिर 2 रोज मजीद गुजर गया लेकिन मॉर्गन ने कोई इतला न दी। टाइगर ने एक बार फिर मॉर्गन से बराह रास्त बात करने के लिए उसके नंबर प्रेस कर दिए। मॉर्गन बोल रहा हूँ, रब्ता होते ही मॉर्गन की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। जनाब मेरी अपने दोस्त से फोन पर बात हुई है, उसने बताया है कि एक्रेमिया से 2 खसूसी माहरीन जो मियाँ बीवी हैं पाकेशिया आए हुए हैं और वो उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा है और उनके पास ही यहाँ दारुल हकूमत में रिहाइश पजीर है। अलबत्ता वो उन्हें फैक्ट्री ले जाता है और ले आता है मेरे पूछने पर कि फैक्ट्री में मकामी लेबर और मकामी मुलाजमीन को क्यों फारिग कर दिया गया है, तो उसने बताया कि फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है और ये दोनों माहरीन एक्रेमिया से यहाँ इसलिए आए हैं कि उनकी रिपोर्ट पर फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या उसे मुख्तसर अरसा के लिए बंद किया जाए, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है और ये खसूसी माहरीन कहाँ रहते हैं, टाइगर ने पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कदरे नाराज से लहजे में कहा। मुझे तुम पर एतमाद न होता तो मैं क्यों तुम्हें दरमियान में डालता, मैं चाहता हूं कि खुद तुम्हारे हवाले से उससे बात कर लूं ताकि तुम्हें 1,00,000 रुपए मिल सकें, टाइगर ने कहा। अच्छा फिर तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये ख्याल रखें कि ये माहरीन नाराज ना हो जाएं, वरना हमारी सप्लाई लाइन भी ख़त्म हो सकती है और हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, मॉर्गन ने कहा। तुम्हें मालूम तो है कि रमजे से मेरे कैसे तल्लुकात हैं, इसलिए मैं अपने दोस्त का नुकसान कैसे कर सकता हूं, टाइगर ने कहा। ठीक है जनाब, मेरे दोस्त का नाम फ्रेड और उन खसूसी महरीन के नामों का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता वो सनराइज कॉलोनी की कोठी नंबर 24A में रह रहे हैं, मॉर्गन ने तफसील बताते हुए कहा। ओके मैं तुम्हारे हवाले से फ्रेड से मिल लूंगा, ओके शुक्रिया, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो सोच रहा था कि इस मामले में इतनी दिलचस्पी लेना सूदमंद भी रहेगा या नहीं कि उसकी जेब में मौजूद सेल फोन की घंटी बज उठी, तो उसने जेब से सेल फोन निकाला तो उसकी स्क्रीन पर इमरान का नाम डिस्प्ले हो रहा था। वो समझ गया कि इमरान की कॉल है, उसने रब्ते का बटन प्रेस कर दिया। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर ने सेल फोन को कान से लगाते हुए कहा। तुमने फिर सिटी फैक्ट्री के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी, इमरान ने कहा। बॉस वो आदमी जिससे असल बात सामने आई थी उसे एक एक्रेमियन जोड़े का ड्राइवर बना दिया गया है, इसलिए मेरे आदमी का उससे रब्ता ना हो रहा था। अब रब्ता हुआ है तो उसने बताया है कि मादनियात के महरीन का एक जोड़ा जो मियाँ बीवी हैं एक्रेमिया से यहाँ आया हुआ है, वो उस सिटी फैक्ट्री के बारे में रिपोर्ट तैयार करके एक्रेमिया के हुकाम को देंगे। इस रिपोर्ट के बाद ही फैसला किया जाएगा कि फैक्ट्री को दोबारा चलाया जाए या हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस सारे काम में उनके मुताबिक 4-5 माह लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने मकामी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया है, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि हम जो कुछ समझते थे वो गलत था, ये बेरिलियम धात का सिलसिला नहीं है, इमरान ने कहा। यस बॉस बज़ाहिर तो यही लगता है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन असल सवाल ये है कि डॉक्टर विक्टर ने पाकिस्तानी माहिर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार के लाशऊ से क्या मालूम किया था। ये बात तो तय है कि डॉक्टर अब्दुल गफ़ार अहमक नहीं था कि खामखा ये कहता फिरे कि यहाँ नायाब धात का ज़खीरा है,
मैंने अब तक जितने लोगों से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के बारे में मालूमात हासिल की हैं, सब उसे बाहोश और इंतहाई माहिर करार देते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, उसकी बात पर एतमाद किसी ने भी नहीं किया, वरना बड़ी आसानी से ये धात मिल सकती थी, टाइगर ने कहा। दरअसल पाकेशिया की ब्यूरोक्रेसी निकम्मी है, वो बहुत आराम प्रस्त है, किसी नए मसले को छेड़ना ही नहीं चाहते। अलबत्ता अब ये हमारे लिए मसला बन गया है, इमरान ने कहा। बॉस, अगर आप कहें तो इस माहिर जोड़े से मिला जाए, टाइगर ने कहा। किस टॉपिक पर बात करोगे और क्या हासिल होगा? अलबत्ता तुम खुद पहले की तरह वहां का राउंड लगाओ और अपने तौर पर वहां के हालात का जायजा लो, इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, मैं कल ही चला जाऊंगा, फिर आपको तफसीली रिपोर्ट दूंगा, टाइगर ने कहा। ओके, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो टाइगर ने सेल फोन ऑफ करके उसे वापस जेब में रख लिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।